मॉर्निंग। आज बहुत दिन के बाद मेरे डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। आई एम सॉरी, मैं डेली व्लॉग महीनों महीनों हो जाते हैं, मैं नहीं ला पाती क्योंकि इतना बिजी हो जाती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, कुछ कुछ ऐसे लाइफ में एक तरह से कहना चाहिए प्रोजेक्ट चलने लगते हैं जिनको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है। बट अपने चैनल में भी कंटेंट डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप बहुत मेहनत से एक चैनल इस्टेब्लिश करते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि एक चैनल इस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल काम है। तो जब एक चैनल आप रन कर रहे होते हैं तो उसमें कंटेंट डालना भी ज़रूरी होता है। तो जो रेगुलर देख रहे हैं उनको मालूम है मैं ऐसे बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ तो शॉर्ट्स वगैरह डाल देती हूँ, बट रेगुलर व्लॉग डेली व्लॉग नहीं अपलोड कर पाती। आज स्पेशल है और बहुत मुश्किल में टाइम निकाल रही हूँ इसलिए कि आज ना बहुत ही सालों के बाद मैं चांदनी चौक जा रही हूँ और उस वहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दिल्ली वालों को। जो वहाँ पास में रहते हैं वो वाला तो एरिया अलग है, पर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से लगभग 50 to 60, यहाँ से कितनी दूर है चांदनी चौक, कितनी दूर है, कितना देखो इधर, 25 25, हाँ तो यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सब कुछ सेटल करके, घर साफ करके, नाश्ता करके हम सोच रहे हैं कि हम मेट्रो से निकल जाएं, क्योंकि मेट्रो से अगर निकलेंगे तो ट्रैफिक से बच जाएंगे। तो और धूप इतनी तेज़ हो रही है, बच्चों को साथ में लेके चलना, बट ध्रुव से वादा किया था इसलिए वहाँ जाना जरूरी। कल दशहरा था, कल हम लोग जानबूझ के नहीं गए थे क्योंकि लाल किले में प्रोग्राम चलता है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, इसलिए हम लोग कल नहीं गए। पर आज किसी भी तरीके से, फिर रोज़ रोज़ बच्चे के साथ झूठा वादा करना अच्छी बात नहीं है। ध्रुव जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, तो उनको लेके हम लोग जा रहे हैं। वहाँ क्या करते हैं, क्या शॉपिंग का मूड बनता है ये मैं आपको दिखाती चलूँगी। स्टे विद मी, और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी इस लेट लतीफ़ यूट्यूबर को। रेडी हो गए हैं ऑलरेडी, 10 बज गया है, हम लोगों ने 9 बजे का टारगेट रखा था, 10 बज गया है, हम लोग निकल रहे हैं जल्दी जल्दी, लॉक कर रहे हैं, बाहर मिलते हैं। चौक आ गए हैं और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि पहले जो यहाँ गाड़ी कार ऑटो की भीड़ हुआ करती थी, बिल्कुल बंद हो गई है यहाँ ये सब एंट्री। हाथ रिक्शा दिखेगा और पैदल लोग मिलेंगे और ये रोड भी चौड़ी कर दिए है, अच्छा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी अभी यहाँ अक्षय कुमार की किसी मूवी की शूटिंग के लिए भी साफ सफाई हुई थी,
तो इस वजह से भी साफ सफाई दिख रही है। और मैं आपको दिखा, पहले बहुत बुरी हालत थी यहाँ की भाई, मैं बता रही हूँ ना, मैं यहाँ शॉपिंग करने 6-7 साल के बाद आई, मैं हिम्मत ही नहीं करती यहाँ आने की। अच्छा।